उसका जवाब नहीं। वो अपने आप को समझते थे कि वो हाथी है, तो हाथी की सूंड में सीटी निकल रही है। नजीब का जो केस चल रहा है उसमें हम लोग अभी तक वहीं हैं जहाँ शुरुआत में थे। पहले दिन से आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लास्ट हेयरिंग 21 दिसंबर को हुई थी और उसमें जैसा आपने कहा था नजीब की माँ से कि आप सब्र रखिए। उस दिन के बाद से मेरे अंदर बहुत सूझबूझ हुई कि एक माँ से एक जज बोल रहा है कि सब्र रखो। काम हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि काम कहाँ हो रहा है। लेकिन आज इतनी ज्यादा तादाद में ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं और जिस तरह से इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं उससे मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इनका तख्ता पलटने वाला है और इसी तरह से अगर हमारी नौजवान नस्ल, हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल जागती गई और अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी हक की मांग करती गई, अपने हक के लिए लड़ाई करती गई, तो बहुत जल्द ये लोग यहाँ से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ये लोग चाहते ही नहीं है कि नौजवान जो है वो बात करे अपनी नौकरी की, अपनी एजुकेशन की। ये चाहते हैं कि इन नौजवानों के मुंह पे फूल लगा दें, इन्हें दरिंदा बना दें, उनके हाथों में छुरी चाकू देकर उनको जेलों में भर दें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और वो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिन नौजवानों के हाथों में ये खून की लड़ लगाना चाहते हैं, वो नौजवान आज अपने हक की मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं एक सही तरीके से। नजीब मेरा खोया है और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएगा एक दिन। हम लड़ेंगे आखिर तक, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारे अंदर जान में जान है। लेकिन उस नजीब के जाने के साथ ही मुझे बहुत सारे नजीब मिले। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान के झगड़ों में फंसा दें, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा दें। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो नजीब की शक्ल में मुझे कन्हैया, मोहित, जिग्नेश, उमर, कितने सारे भाई मिले हैं। मुझे कभी फील होता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे हैं और मैं इन लोगों से अपना भाई वापस लेके रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे आखिर तक, चाहे पुलिस कुछ कर ले। जिन्होंने केस को डाइवर्ट करने के लिए रिक्शे वाले की, ऑटो रिक्शे वाले की कहानी सुनाई और कहा नजीब खुद से गया है, सीबीआई ने उस कहानी को सरासर झुठला दिया। सारे सच निकल के सामने बाहर आएंगे, वक्त लगेगा लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और मुझे मालूम है मेरे ये भाई मुझे हिम्मत हारने भी नहीं देंगे। जहां मैं लड़ता हूँ ये लोग मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।